ओके रूल है सर, अपना नाम बताइए। द्वारका प्रसाद। वार्ड नंबर क्या आपका? 90। सर क्या कुछ समस्या है इस वार्ड की? सर यहाँ पे एक तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे पिछले 2 साल से मैं देख पा रहा हूँ कि पानी निरंतर बहता रहता है। इसमें इतना ज़्यादा पानी बह चुका है, कम से कम इसमें हज़ारों लोगों का पानी पीने का बह गया, नहाने का बह गया। और जबकि ये दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये दुखद घटना हो रही है, बार बार आते हैं, देखते हैं, ठीक करके जाते हैं, और ठीक करके जाने के उसके एक ही हफ्ते के बाद में दोबारा बहना शुरू हो जाता है। सर यहाँ पे आप नालियाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप सड़कें देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी गाड़ी निकलती है उसका बम्पर डैमेज हो जाता है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ निकलती हैं कोई ना कोई इसमें डैमेजेस होते रहते हैं। आप यहाँ की सड़कों के बारे में देख रहे हैं, कभी ये सड़कें जब भी बनाई गई हैं, सड़कें बनाने के बाद में उसके एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद में पता नहीं क्या कोई तार डालने के लिए कोई खुदाई कर रहा है, कोई कुछ उसके बाद में खोदने के बाद में ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ भी उसके बाद में प्रशासन काम नहीं करता। चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि आप चुनाव के टाइम नेता भी बाहर निकल कर सामने आएंगे और वोट मांगेंगे। सर ऐसा है कि चुनाव के वक्त पे तो ऐसे सभी वायदे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे कि अभी झूठे वादे लोगों करते रहे। जैसे केजरीवाल ने अभी कहा है कि हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे, पर केजरीवाल को तो इतना झूठा बयान आ रहा है क्योंकि इन्होंने जितना भी झूठा बयान दिया है अभी तक उस पर कुछ भी अमल नहीं हुआ है। तो इस पर कैसे विश्वास किया जाए, नेताओं पर कैसे विश्वास किया जाए कि ये क्या करेंगे आगे? ठीक है सर। पीछे बाथरूम